अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले आप सब लोगों का आने का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ ले के हैं। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस ब्रीफ है, ये बेसिकली एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक मासूम था, बच्चा था जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, अवैस उसका नाम था, इधर मंदनी पुलिस स्टेशन की हदूद में बड़ी बेदर्दी के साथ उसका मर्डर किया गया तकरीबन 6 दिसंबर 2020 को। उसमें पुलिस ने अपनी ऑल आउट एफर्ट स्टार्ट की, उसको बड़ा इस ये जो मर्डर केस था बिल्कुल ये बड़ा हाईलाइट भी हुआ। इसमें पुलिस ने अपनी एफर्ट जब स्टार्ट की तो उन्होंने उसके अंदर मुकम्मल हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुख्तलिफ टीम्स बनाई, जिसमें सेलुलर टीम अलग बनी, फोरेंसिक्स की टीम अलग बनी, प्रोफाइलिंग की टीम अलग बनी, और हर एंगल से और हर पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने इस केस के ऊपर काम करने की दिन रात हमारी जो टीम है उसमें उसने काम करने की कोशिश की। ये पूरी टीम जो इस टाइम फ्रेम के अंदर है, जो आप लोगों को नज़र आ रही है, जिसमें जितने PSIs हैं हमारे, DSP साहब हैं, SHO साहिबान हैं, SP इन्वेस्टिगेशन है, इन सब लोगों ने दिन रात अंतिक मेहनत की। हम लोगों ने तकरीबन इसमें राउंड अबाउट तकरीबन इसमें 140 लोगों की इन्वेस्टिगेशन की गई, बहुत ज़्यादा इन डिटेल एंड इन डेप्थ उन लोगों को इंटरोगेट किया गया। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था, बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था, और इसमें मजीद कॉम्प्लिकेशन भी हो गई। एट द सेम टाइम उसी गांव में जब वो बच्चे का जब मर्डर हुआ तो उसमें एक पैरेलल एक शादी भी चल रही थी, उसमें आउटसाइडर्स भी बहुत ज़्यादा गाँव में थे, वो लोग आए हुए थे, तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस था। फिर इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो हमारी मेहनत है उसको ज़ाया नहीं होने दिया और हमारी टीम ने इन द एंड जो था उसको अचीव की, सक्सेस अचीव की। इसमें तीन मेन अक्यूज जो हैं उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसमें एक उस बच्चे का अपना ब्रदर इन लॉ जो उसका बहनोई है वो है, और दो जो हैं वो उसके बहनोई के भतीजे हैं। इसको जो अवैस को जो मर्डर किया गया है, इसको बेसिकली शक की, एक ऑनर किलिंग है लेकिन उसको शक की बिना पे, शक की बेस पे उस जो बच्चा है उसकी, उसको शहीद किया गया, उसकी जान ली गई। मैं इसमें मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहुत सारे लोगों का, जिसमें वो जो पूरा गांव, वो जो मुलागुरी जो गांव था उसमें उन सब लोगों का, जिसने पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेशन किया और तावन किया, जिस बड़ी इन डेप्थ और बड़ी डिटेल के अंदर ये जो स्टडी थी, ये जो इंटरोगेशन थी ये जारी थी। फिर उसके बाद जो जितने ये चारसदा के आवाम हैं, जो बाजार के जो लोग हैं, सदूर हैं, इन सब ने पुलिस पे अपना ट्रस्ट और अपना एतमाद शो किया थ्रू आउट द केस। ऑल दो इसमें हमें तकरीबन अराउंड एक महीना लग गया इस केस को ट्रेस करने के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट जो कातिल थे वो तीन कातिल पुलिस ने अप्रीहेंड किए। इसमें मैं एक और बात भी बता रहा हूँ, बहुत सारे नासिर ऐसे भी थे जिसने इसको बड़ा, इसको एक गलत टच देने की कोशिश की गई, इसको पख्तून की विक्टमाइजेशन के साथ भी जोड़ा गया, इसमें पख्तून की उसकी टारगेट किलिंग के साथ भी इसको जोड़ा गया, लेकिन ये प्योरली एक हाउस, एक इंटरनल हाउस मैटर था, और जो क्लोज रिलेटिव्स थे, जो ब्लड रिलेशन था, उन्होंने ये हरकत की और इसमें उसमें जो बच्चा था उस बच्चे को शहीद किया और उसकी जान ली। उसके बाद मैं इन द एंड सबसे ज़्यादा मैं जो शुक्रगुजार हूँ, मैं जो बख्तावर शाह ये हमारे साथ बैठे हैं, ये अवैस के वालिद साहब हैं, मैं थ्रू आउट इन्होंने पुलिस के ऊपर एतमाद किया, पुलिस के साथ तावन किया, पुलिस के ऊपर किसी भी टाइम पे कोई ऐसा इन्होंने वो चीज़ नहीं आने दी कि जिसमें ये पुलिस को ब्लेम करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस जो चारसदा पुलिस, अल्लाह ने चारसदा पुलिस को सरखरू किया इस चीज़ के अंदर, और हम जो एक्चुअल मुलजमान थे उसको सामने लाने में जो है वो कामयाब हुए।